सरकार द्वारा देश के सबसे बड़े BRS की स्कीम लाई गई थी, जिसके अंतर्गत पूरे देश में BSNL के लाखों कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति BRS लिया, जिसमें उज्जैन जिले के लोगों ने भी लाभ लिया। जिसके अंतर्गत उज्जैन जिले के बडनगर BSNL ऑफिस के 13 कर्मचारियों ने भी सेवानिवृत्ति का लाभ लिया। बडनगर निजी गार्डन में आयोजित सेवानिवृत्ति समारोह में BSNL उज्जैन जिले के महाप्रबंधक पंकज उपाध्याय द्वारा सेवानिवृत्त हुए 13 कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर सम्मान किया गया। साथ ही महाप्रबंधक ने कहा कि लोग अफवाह में ना आए, BSNL आगे और उन्नति और तरक्की करेगा और नई स्कीम लाएगा। भारत सरकार की एक योजना थी, जिसके अंतर्गत जिले के 191 कर्मचारियों ने BRS सेवानिवृत्ति ली। साथ ही महाप्रबंधक ने बताया कि BSNL को शिखर तक पहुंचाने में सेवानिवृत्त हो रहे इन कर्मचारियों का अहम योगदान रहा है और BSNL जल्द ही नई ऊर्जा के साथ बचे हुए कर्मचारियों के साथ मेहनत से काम करके तरक्की और अग्रसर होगा। सरकार ने इसके लिए योजनाएं बना रखी हैं। सेवानिवृत्त कार्यक्रम के अवसर पर BSNL स्टाफ व उनके कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। के तहत सरकार के द्वारा एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना पूरे देश भर में लागू की गई थी और उसी के तहत BSNL उज्जैन जिले से तकरीबन 191 लोगों ने BRS लिया और हमारी जो टीम बडनगर की, इसमें 17 में से 13 लोगों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और यही आज इनको हम शुभकामनाएं देने महाप्रबंधक के। सर, आगे जो आपके बच्चे हुए कर्मचारी रहेंगे आपके यूनियन के माध्यम से, उनके लिए क्या किया जाए? बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। हमारी संख्या तकरीबन 68 के करीब अब उज्जैन जिले में बचेगी, जिसको कि यूनाइटेड फोरम ने ये जो चिंता है वो प्रबंधन के समक्ष जाहिर कर दी है और जहाँ पर भी होगा आउटसोर्सिंग के माध्यम से अन्य कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाएगी, लेकिन किसी भी तरीके से हमारे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे। ये नियुक्ति कब तक की जाए? उसके लिए प्रशासन के द्वारा। और जो कर्मचारियों को वेतन की समस्या आ रही है वो कब हल होगी? लगभग नवंबर माह तक का वेतन जो है वो प्रबंधन के द्वारा जारी कर दिया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रेडेटरी प्राइसिंग के चलते पूरे सारे ही संचार के क्षेत्र की सारी कंपनियों की हालत ख़राब है, उसी में घाटे में चलने की वजह से BSNL के कर्मचारियों को भी जो है दिसंबर माह का वेतन अभी तक नहीं मिला, लेकिन ये पूरी उम्मीद है कि इसी माह के अंदर दिसंबर का वेतन भी जारी कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ BSNL परिवार की तरफ से, और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं बडनगर की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि BRS एक, जैसा कि हमारे साथी ने बताया, एक भारत सरकार द्वारा BSNL के रिवाइवल की प्रक्रिया के तहत एक स्टेप है, जिसके बाद BSNL जनसाधारण को ज़्यादा अच्छी टेलीकॉम सुविधाएं देने के लिए कटिबद्ध है और बहुत जल्दी अपनी 4G सेवाओं के साथ आने वाला है। इसके अलावा हम फाइबर बेस ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन कनेक्शन को भी जल्दी बडनगर शहर में शुरू करने वाले हैं और हम बडनगर की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं, जैसा कि मीडिया में जैसा भी बताया गया कि कहीं पर कहीं ये कन्फ्यूजन है कि BSNL कैसे चलेगा, तो आगे आने वाला समय ऑटोमेशन का है। BSNL भी इसी प्रक्रिया के तहत अपनी बहुत सारी सेवाओं को ऑटोमेटेड करके कम अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पहले से बेहतर अच्छी सुविधाएं जनसाधारण को उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है और हम लोग कर पाएंगे। आगे जाने आने वाले दिनों में BSNL की तरफ से एक अच्छी अनुभूति हमारे उपभोक्ताओं को प्राप्त होगी। BSNL के पतंजलि से कोई टाई अप किया, ऐसी चर्चा है बाजार में है? ढाई या तीन साल पहले पतंजलि के साथ टाई अप किया गया था, मगर उस टाई अप के होने के बावजूद भी वर्तमान में BSNL के जो नए प्लान और सुविधाएं हैं वो उस प्लान से भी अच्छे हैं। आज हम 1999 रुपये में उपभोक्ता को 3 GB पर डे अनलिमिटेड कॉलिंग और इसके साथ साथ 435 दिन की वैलिडिटी दे रहे हैं, जो कि मार्केट में और कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर नहीं है। सर, कम कर्मचारी टाइप है या नहीं है? बिल्कुल है सर। कम कर्मचारियों के साथ क्या BSNL आगे बढ़ पाएगा? मैंने आपको पहले बताया कि अभी ऑटोमेशन का ज़माना है, बहुत सारी हमारी सेवाएं ऑटोमेटेड हो रही हैं, इसलिए इतने सारे अधिकारियों और कर्मचारियों की आगे जाके आवश्यकता नहीं रहेगी। हम इस बात की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं कि हम BSNL। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।